नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जीओबी पीवीटी को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार के सरकारी स्कूलों में महंगी हुई पढ़ाई, अब जल्द ही गंगा नदी पर लेंगे क्रूज का मजा। ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक बड़े पैमाने पर बहाली। बिहार में बंद होगी 12 लाख किसानों की पीएम सम्मान राशि। हार के बाद भी ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब जल्द ही गंगा नदी पर लेंगे क्रूज का मजा। बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में और निखारने के लिए बिहार सरकार की तरफ से पर्यटन विभाग ने जल्द ही एक बड़ी पहल करने का फैसला लिया है, जिसके तहत ही अब विभाग बिहार के लोगों के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को गंगा के क्रूज में सैर कराने का मौका देने वाली है। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी अंतिम चरण में है। पर्यटन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरी पहल का उद्देश्य पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को एक नई पहचान देने का है। बिहार में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार की भी कोशिश यही है कि जो भी देशी विदेशी पर्यटक बिहार आए तो यहां से यादगार जरूर लेकर जाएं। क्रूज की शुरुआत इसी कड़ी में की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्रूज पर घूमने को लेकर टाइमिंग की व्यवस्था होगी, साथ ही टिकट की बुकिंग प्रणाली भी रहेगी। बीपीएससी ने जारी किया एलडीसी और मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा की आंसर की। बीते दिन बीपीएससी ने मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा की आंसर की को जारी कर दिया है। परीक्षा 5 मार्च और 6 मार्च को हुई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उम्मीदवार ऑफलाइन मोड के माध्यम से भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों को लिफाफे पर नाम और विज्ञापन का नाम का उल्लेख करना आवश्यक है। ध्यान रहे, आपत्तियां बिहार लोक सेवा आयोग के पते पर 12 अप्रैल शाम 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। इतना ही नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग ने लोअर क्लर्क भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की भी जारी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के लिए 24 पद भरे जाएंगे। ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक बड़े पैमाने पर बहाली। जल्द ही पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3161 पंचायत सचिवों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया इस महीने विभाग शुरू करेगा। इससे पंचायत स्तर पर चलाए जा रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा रखने और विकास राशि के खर्च में आसानी होगी। ज्ञात हो, बिहार पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के करीब है। इसके अंतर्गत ही विभाग में इंजीनियर संवर्ग के 1314 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके अलावा विकास योजनाओं की अनवरत मॉनिटरिंग यानी कि कड़ी निगरानी के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के 1048 पद बनाए गए हैं। कुल मिलाकर पंचायती राज विभाग ने 13270 पदों पर जल्द नियुक्ति का फैसला सुनाया है। नगर निकाय चुनाव में होगी देरी। बिहार में जहां एक तरफ विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है, वहीं दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव में देरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में नगर निकाय में चुनाव में देरी होने के आसार जताए गए हैं। नगर निकाय चुनाव और पंचायत उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल करने की सिफारिश की है, ताकि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। आयोग ने सरकार से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय के आलोक में ही राज्य में आगामी चुनाव कराया जाना चाहिए। उसी के अनुरूप पिछड़े वर्ग के आरक्षण का अनुपात तय करना है। जानकारी के अनुसार इसके लिए सरकार ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार तकनीकी पेच के चलते नगरपालिका चुनाव में देर होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार में बंद होगी 12 लाख किसानों की पीएम सम्मान निधि राशि। किसानों की आर्थिक सहायता के लिए शुरू की गई पीएम सम्मान राशि आने वाले समय में कुछ किसानों के लिए बंद होने वाली है। हालांकि ये कुछ किसानों के लिए तो वरदान साबित हुई है, लेकिन आने वाला समय कुछ किसानों के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है, क्योंकि जिन किसानों का खाता आधार और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक नहीं हुआ है, उन्हें अब राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में ऐसे किसानों की संख्या 12,29,800 है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से ये व्यवस्था लागू कर दी है। इतना ही नहीं, आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके अलावा 94,799 किसानों के आवेदन और आधार के नाम में अंतर है। इन दोनों तरह के किसान अगर भुगतान के पहले इसे दुरुस्त नहीं करते हैं तो उनका भुगतान बंद हो जाएगा। बिहार में अब प्रति लाख आबादी पर तैनात होंगे 160 पुलिस बल। बिहारवासियों की सुरक्षा में जल्द ही भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर 150 से 160 पुलिस बल की तैनाती होने जा रही है। इस दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन ही पदाधिकारियों को दिया है। इसको लेकर ही साझा की गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने शनिवार को एकड़े मार्ग में पुलिस आधुनिकीकरण से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि साल 2014 में प्रति 1,00,000 की आबादी पर 115 पुलिसकर्मियों की तैनाती का निर्णय हम लोगों ने लिया था, जिसे अब बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों के खाली पदों को भरने के अलावा पुलिस बल में जरूरत के मुताबिक नए पदों का भी सृजन करें। गर्मी ने तोड़ा 121 साल का रिकॉर्ड, बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट। देशभर में गर्मी ने अपने पिछले 121 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के महीने में भारत का औसत अधिकतम तापमान 33.10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले साल 2010 का मार्च महीना ऐतिहासिक तौर पर सबसे गर्म रहा था। बिहार में भी इस बार लोगों को भीषण गर्मी की मार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीते कुछ दिनों से बिहार का मौसम सुहाना है। बढ़ती गर्मी के बीच अब बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राज्य में पिछले 48 घंटों के दौरान पूर्वा हवा चलने से उमस बढ़ी है। हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध भी रह रही है, यहां तक कि आसमान में बादल भी छा रहे हैं। इससे बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम के बदले मिजाज का असर कुछ क्षेत्रों में बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। पटना NIT की छात्रा पायल को मिला गूगल से ऑफर। पटना NIT बीते लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक छात्रा को फेसबुक से मिले प्लेसमेंट के बाद अब NIT पटना की दूसरी छात्रा पायल खत्री का नाम भी मीडिया में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पायल ने मेहनत के दम पर मिसाल कायम की है। दिग्गज IT और सर्च इंजन कंपनी गूगल ने इसी बलबूते पर पायल को 32,00,000 रुपए सालाना के पैकेज पर प्लेसमेंट ऑफर किया है। इस ऑफर को मिलने के साथ ही पायल NIT की पहली ऐसी छात्रा बन गई है जिन्हें स्टडी के दौरान ही ये सफलता मिली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पायल संस्थान के 2018 से 22 की कंप्यूटर साइंस की छात्रा है। बिहार में 4 अप्रैल से होगी माध्यमिक की परीक्षा। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के तत्वाधान में 4 अप्रैल से राज्य के 43 केंद्रों पर माध्यमिक की परीक्षा होने वाली है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि माध्यमिक की परीक्षा 4 से 7 अप्रैल तक जारी रहने वाली है। इस परीक्षा में कुल 15,925 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। राजधानी में पटना कॉलेजिएट में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा 2 पाली में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा 9:45 से 1 बजे तक होगी। दूसरी पाली की परीक्षा 1:45 से 5 बजे तक होगी। कदाचार मुक्त और स्वच्छ परीक्षा को लेकर तैयारी कर ली गई है। सबसे खास बात यह है कि परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। बिहार के मुखिया को मिला एक और पावर। बिहार में पंचायत सरकार का गठन हो गया है, जिसके बाद से ही नवनियुक्त मुखियाओं को एक के बाद एक शक्तियां दी जा रही है। इसी कड़ी में अब मुखियाओं के हाथ में एक और शक्ति दी गई है, जिसके तहत ही बिहार के वन क्षेत्र के बाहर की जमीन पर फसलों की सुरक्षा के लिए जंगली जानवर के शिकार का निर्णय अब स्थानीय मुखिया अपने विवेक से ले सकेंगे। पहले इसके लिए एक्सपर्ट शूटर को चिट्ठी भेजकर बुलाया जाता था और ऐसे जानवरों का शिकार करवाया जाता था, लेकिन अब ये शक्ति मुखिया को मिल गई है। इस संबंध में हाल ही में राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी की है। इसके बाद ही अब जानवरों से फसलों की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेने के लिए फॉरेस्ट अधिकारियों पर मुखिया निर्भर नहीं रह गए हैं। सबसे खास बात यह है कि सरकार की नई व्यवस्था पर वैशाली जिले में अमल भी शुरू हो चुका है। बिहार के सरकारी स्कूलों में महंगी हुई पढ़ाई। अब आम आदमी पर बच्चों की फीस का बोझ बढ़ गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य वस्तुओं की बेतहाशा महंगाई के बाद अब आम आदमी पर एक और बोझ बढ़ गया, जिसके तहत ही अब नए सत्र में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अभिभावकों को फीस के लिए अधिक पैसा देना होगा। यानी कि बिहार के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई महंगी हो गई है। शिक्षा विभाग ने पहले ही आदेश जारी किया था, जिसके तहत ही अब 9वीं और 11वीं में प्रवेश शुल्क 50-50 रुपए देने होंगे। पहले 9वीं में प्रवेश शुल्क 20 रुपए और 11वीं में प्रवेश शुल्क 15 रुपए थे। वहीं 9वीं में विकास शुल्क अब एक बार फिर से 80 रुपए देने होंगे। बिहार में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल तो DGP खुद निकले नाइट पेट्रोलिंग पर। बिहार सरकार पहले ही बिहार में कानून व्यवस्था के हाल और आपराधिक घटनाओं को लेकर निशाने पर है। यही कारण भी है कि सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत ही बिहार के DGP अब खुद नाइट पेट्रोलिंग करते दिखे। बिहार के DGP SK सिंघल देर रात सड़क पर पेट्रोलिंग करते दिखे। देर रात राजधानी पटना से हाजीपुर पहुंचे DGP ने अचानक थाने पहुंचकर पुलिस की चुस्ती का हाल जाना। ADG लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र सिंह गंगवार के साथ अचानक से पहुंचे DGP को देख करके काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल मच गया। थानेदार सहित जिले के तमाम आला अधिकारी भागा भागी थाना पहुंचे, जिसके बाद ही DGP SK सिंघल ने देर रात थाने में तैनात महिला पुलिस से पुलिस महकमे में मिलने वाली सुविधाओं का हाल भी जाना। बिहार सरकार ने इतने अधिकारियों को शराबबंदी कानून के तहत किया तैनात। बिहार में शराबबंदी कानून बीते लंबे समय से लागू है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है इससे आप भी बखूबी वाकिफ होंगे। हालांकि बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने और नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए ही बिहार सरकार ने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके तहत ही बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने 390 अधिकारियों को शराबबंदी कानून के तहत जमानत, जुर्माना और सजा देने के लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त किया। ये अफसर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 37 के तहत शराब का उपभोग करने पर जुर्माना देकर छोड़ना या फिर जेल
भेजने पर विचार करेगी। पहले से ही संबंधित जिलों में तैनात उन अफसरों को पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी की शक्ति दी गई है। बीते दिन ही सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। भाजपा ने जलाया अपने हनुमान का घर। इन दिनों बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के बेघर होने का मामला गरमाया हुआ है। कायदे से तो चिराग पासवान को उस बंगले को खाली करना ही था, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है और अब बिहार की राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर एक के बाद एक बयान देने से चूक नहीं रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर से अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने आज फिर सुबह सुबह मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दिवंगत LJP संस्थापक रामविलास पासवान आखिर तक भाजपा के साथ खड़े थे। चिराग पासवान ने कहा था कि वो हनुमान है, लेकिन हनुमान के घर को आग लगा दी गई। ये है भाजपा को समर्थन देने का नतीजा। वहीं दूसरी तरफ अपना दर्द बयान करते हुए चिराग पासवान ने भी हाल ही में कहा था कि जिस तरीके से घर को खाली करवाया गया उससे मैं दुखी हूं। हार के बाद भी ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। IPL 2022 में शनिवार को खेले गए 10वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात टाइटंस के हाथों एक करीबी मुकाबले में 14 रनों से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि टीम की हार के बावजूद कप्तान पंत ने अपने लिए एक बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल की है। पंत ने दिल्ली के लिए वो कारनामा कर दिखाया है जो कि अब तक टीम के किसी भी बल्लेबाज ने नहीं किया। कप्तान ऋषभ पंत पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2500 या उससे ज्यादा रन बनाए हों। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, सोनाली सिन्हा, सौरभ मिश्रा, अक्षय कुमार, नुन्नू कुमार, रंजीत मिश्रा, अमित कुमार, धीरज कुमार, श्रवण कुमार, सीलू कुमारी, कुश कुमार यादव, सुभाष ठाकुर, बाबुल यादव, राकेश महतो, कविता कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के अब तक के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।